15 अप्रैल की जो है रिहर्सल चल रही है, तो उसके बारे में बताएंगे क्या क्या प्रोग्राम रहेगा और क्या क्या शेड्यूल है इसका। जैसे आपको पता है हर साल 15 अप्रैल को यहाँ पे रिज मैदान पे भव्य कार्यक्रम होता है, लेकिन इस बार जिस तरह से ये कोरोना का संकट चला है तो उसको चलते यहाँ पे परेड नहीं होगी। सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री 11 बजे यहाँ पे आएंगे, ध्वजारोहण होगा और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर होगा, सलामी उनको दी जाएगी। और इतना सा सूक्ष्म सा कार्यक्रम है और इसमें बड़े कम संख्या में ही चाहे पॉलिटिशियंस हैं चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे DGP साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, बड़ा लिमिटेड यहाँ पे गैदरिंग रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का जो लोग आएंगे उनमें भी ध्यान रखा जाएगा। और जो परेड आपने देखा होगा हम रिहर्सल करा रहे हैं तो इनको भी एक फासले पर रखा जा रहा है ताकि एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक से ना हो, लेकिन जैसे कि हिमाचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है इसलिए इसमें छोटे स्तर पर इसको मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 11 बजे सेम सब करेंगे। सर ये जो 11 क्योंकि 10 से 1 तक जो है कर्फ्यू में ढील देती है तो क्या आम लोग भी इसमें सर जो है वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? आम लोग का ऐसा नहीं है अभी कुछ, क्योंकि कर्फ्यू में ढील एसेंशियल आइटम्स के लिए ही रहती है, लेकिन जो जैसे आपको पता है रीच पे थोड़ा बहुत चल रहती है, जैसे कोई आ जा रहा हो तो वो वहाँ पे अगर मान लो रुकते भी हैं कार्यक्रम को देखने के लिए तो उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी। थोड़ी बहुत फोर्स हमने डिप्लॉय यहाँ पे की होगी। और आप लोगों से फिर भी अपील करना चाहेंगे सर कि आएँ या कैसे? नहीं वो आधिकारिक तौर पे तो ऐसा कोई जनरल इन्विटेशन मेरे ख्याल इस बार नहीं दिए गए हैं, जैसे हर बार DC साहब इन्विटेशन देते हैं, इस बार लिमिटेड ही इसमें रहेगा क्योंकि इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग है, इसको सूक्ष्म स्तर पर मनाया जाएगा।